डियर स्टूडेंट्स, क्लास फोर सब्जेक्ट माय चैप्टर थ्री एक्सरसाइज 3.4 प्रीवियस क्लास आई एम टीचिंग यू एक्सरसाइज 3.2 3.3 एंड 3.4। टुडे आई एम टीचिंग यू एक्सरसाइज 3.5। एक्सरसाइज 3.5 ए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ए है ऐड करना है। ऐड में फर्स्ट क्वेश्चन है 8134 1726, इसको जोड़ना है। 6 को 10 का 0 3 2 5 1 6 7 1 8 8 1 9, यानी जोड़ के लिख देना है सिंपल वे में। बी नंबर क्वेश्चन है आपका ऐड, ये भी ऐड ही करना है। बी नंबर में भी इसके ऐड करना है। बी में वन क्वेश्चन हो गया आपका 5 6 9 4 7, यानी इसमें 3 डिजिट है, 3 कॉलम है, तीनों कॉलम को जोड़ देना है। यानी 7 4 11 11 6 17 का 7 कैरी 1 9 5 14 1 15 1 57 हो गया। इस तरह से इसमें जोड़ लेना है। उसके बाद एक्सरसाइज 3.6, इसमें आपको यूजिंग द ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी का एडिशन का उपयोग करके और उसके बाद इसको फिल इन द ब्लैंक्स बनाना है। एक्सरसाइज हो गया आपका 3.6। एक्सरसाइज नंबर 3.6 क्वेश्चन नंबर ए कह रहा है, क्वेश्चन नंबर ए यूजिंग द ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी एडिशन का उपयोग करके इसको फिल इन द ब्लैंक करना है। 9572 प्लस 7613 प्लस 4522 इक्वल टू 9572 प्लस 7613 और प्लस डैश, तो यानी यहाँ हम भर देंगे। यहाँ देखिए 9572 है प्लस 7613 है प्लस 4522 है, यानी इधर दे दिया है 9572 दे दिया है, 7613 दे दिया है, क्या नहीं दिया हुआ है 4522 नहीं दिया है, तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, बस हो गया, फिल द ब्लैंक्स हो गया ग्रुपिंग मेथड से। उसके बाद बी नंबर, यूज मेंटल मैथ टू फाइंड द सम, मेंटल मैथ का उपयोग करके सम निकालना है। मेंटल मैथ का प्रयोग करके इसका ऐड निकालना है, यानी बी नंबर में 26 बी के 1 26 प्लस 8 यानी 2 10 प्लस 6 1 प्लस 8 1 20 प्लस 6 1 8 1 जोड़ देंगे 14 1 हो जाएगा प्लस 14 यानी 34 हो गया। अब आइए एक्सरसाइज 3.7, इसमें वर्ड प्रॉब्लम है। एक्सरसाइज 3.7 में वर्ड प्रॉब्लम है। एक्सरसाइज 3.7 को वर्ड प्रॉब्लम पर पहले क्वेश्चन समझना है तब बनाना है। 3.7 में आपका है फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए न्यू टेलीविजन कॉस्ट ₹9500, ए न्यू बाइसिकल कॉस्ट ₹3475, हाउ मच वुड द इट कॉस्ट टेलीविजन एंड बाइसिकल।
तो लिखेंगे इसमें ए न्यू टेलीविजन कॉस्ट इक्वल टू टेलीविजन कॉस्ट इक्वल टू आपका हो गया न्यू टेलीविजन का कॉस्ट ₹95,000। A new bicycle cost equal to Rs 3,475. Total cost equal to दोनों को जोड़ देंगे 9,500 प्लस 3,475 इसको प्लस करेंगे 5,7,549,9,375 हो गया RS इतना आंसर हो गया। इस तरह से इसमें वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन पहले समझिएगा तो आप क्वेश्चन बनाइएगा। इसके बाद CR है कम्युलेटिव रिविजन, इसको देख लीजिए CR कम्युलेटिव रिविजन। कम्युलेटिव रिविजन में ए नंबर क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स कर रहा है, ए नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट देखिए फिल इन द ब्लैंक्स का 2+10=6 यानी यहाँ 4 वर्ड देंगे, उसी तरह 20+6 यानी वर्ड देना है। इन द नंबर सेंटेंस 14+23 द नंबर्स 14 और 23 कॉल्ड कॉलम में 5 क्वेश्चन दिया है द नंबर इन द नंबर इन द नंबर नंबर सेंटेंस सेंटेंस 14+23=37 इसमें जो है 37 आया यानी ये हो गया तुम्हारा ये नंबर मेरे को आ रहा है द नंबर्स 14 और 23 आर कॉल्ड। प्रीवियस क्लास में हम लिखवाए थे एक्सरसाइज के तरीके से लिखवाए थे आर कॉल्ड एडेंट्स, इसको क्या बोलेंगे एडेंट्स। उसके बाद द नंबर 37 इज कॉल्ड, इसके बी में बढ़ना है द नंबर 37 इज कॉल्ड सम, यहाँ क्या पढ़ेंगे सम, ये हो गया। उसके बाद बी नंबर क्वेश्चन का वन कर रहा है एक्सप्लेन टू वेज टू फाइंड 53+19 ऑन ए 100 चार्ट, दो वे से 100 चार्ट पर इसको निकालना है अकॉर्डिंग टू ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ऑर्डर प्रॉपर्टी एडिशन के अनुसार इसको जोड़ना है यानी सब इसमें एडिशन का ही क्वेश्चन है। यानी आप लोग एक्सरसाइज 3.3 से लेकर यानी चैप्टर 3 कंप्लीट कर लीजिएगा, दो एक्सरसाइज 3.3 to cumulative revision complete your homework in fair copy, your homework will be checked after opening your score. Okay.